गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और बज रहे हैं अभी सुबह के 7। मैं नहा धोकर आ गई हूँ और आज है हरियाली तीज, तो आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, आई नो हरियाली तीज पर हरे हरे कपड़े पहने जाते हैं, बट मैंने हरे हरा नहीं पहना, कुछ कुछ हरा ही है वैसे, बट कुछ होता नहीं है हमारे यहाँ, तो फिर ज़्यादा मैंने नहीं किया है। देखते हैं नेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग से ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। शिवांश जस्ट अभी सोकर उठा है। शिवांश भी मैं नहा कर आई, वो सोकर उठ गया, आपको दिखाती हूँ। शिवांश पापा के साथ ब्लॉक से खेल रहा है भाई, मॉर्निंग में उठते ही। गुड मॉर्निंग, लव यू। तो आज आपको मॉर्निंग में खेलना है, दूध नहीं पीना है। आ जाओ, मिल्क नहीं, दूध नहीं पीना। तो फिर मम्मा जाए खाना बनाने। ओके, तो आपको आज खाने में क्या खाना है बताओ? मंडा। आपको खाने में क्या खाना है? पूरी। ना। क्या? पूरी नहीं खाना। तो क्या खाना है? दूध। दूध तो आप ब्रेकफास्ट में लोगे, अभी पिलाएंगे आपको। जस्ट खाने में क्या खाओगे? तो आज बना रहे हैं शिवांश की फेवरेट। शिवांश आज बना रहे हैं शिवांश की फेवरेट पूरी विद मिक्स वेज के साथ में पूरी खाएगा शिवांश, है ना? तो चलिए अब चलते हैं किचन में, सब्जी बना लेते हैं। सब्जी तो आ गए हैं अब हम किचन में, और मैं यहाँ पर सब्जी काट रही हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ तीजों पे कुछ स्पेशल नहीं होता, मतलब कि हमारे यहाँ तीज सेलिब्रेट नहीं होती हैं ज़्यादा, लेकिन जब भी कोई त्यौहार होता है तो पक्का खाना तो बनाते ही हैं। तो बस वही किया है मैंने, सुबह को उठे और सुबह में नहाए धोए, उसके बाद थोड़ी सी पूजा कर ली। पूजा करने के बाद पक्का खाना बना लेंगे, कच्चा नहीं बनाएंगे, पूड़ी बन जाएंगी, मिक्स वेज बनाऊंगी। तो बस यही होती है, बस इतना ही त्यौहार है तीज का हमारे यहाँ, बाकी और कुछ नहीं है। बट मुझे ना त्यौहार मनाना बहुत पसंद है, मुझे लगता है कोई भी त्यौहार हो उसको ऐसे मनाओ जैसे हैप्पी बर्थडे है अपना। तो हाँ, मुझे ये लगता है हैप्पी बर्थडे की तरह मनाओ अपना हर त्यौहार को। बट क्या कर सकते हैं, कोई और है भी नहीं जिसके साथ मनाऊँ मैं, इतना ज़्यादा सेलिब्रेट करूँ। तो सिंपल से वही पूजा पाठ की और खाना बना दिया पक्का, बाकी रोज जैसा दिन होगा, कुछ स्पेशल नहीं है वही आज। आई होप आगे के त्यौहार, मतलब आई होप आगे बहुत अच्छे से त्यौहार जाएं, मतलब मैं बहुत अच्छे से मनाना चाहती हूँ हर त्यौहार को। मैं नहीं चाहती मतलब बोरिंग सा, मुझे बहुत बेकार लगता है। मुझे लगता है हर त्यौहार को एकदम एन्जॉयमेंट के साथ और बहुत मस्ती के साथ मनाया जाए, मुझे ऐसा लगता है जी। ये बातों बातों में ही मैंने सब्जी कट कर दी और बनने भी रख दी है, तो सब्जी यहाँ पर हमारी बनने हो गई है। और अभी मैं ना, ये देखिए आटा मैंने लगा लिया था, और अब मैं सबसे पहले जैकी के लिए, हमारे डॉगी के लिए ना, 2-3 रोटी बना के रख रही हूँ, 4 रोटी बना रही हूँ, क्योंकि वो पूड़ी नहीं खाता है, वो केवल रोटी खाता है, पूड़ी खाने से बीमार हो जाता है, इसलिए मैं उसके लिए पहले 4 रोटी बना दे रही हूँ, उसके बाद बनाऊंगी मैं पूड़ी। और शिवांश देखो उधर खेल रहा है अपने पापा के साथ में मॉर्निंग में। आ जाओ ना, कोई तो हेल्प कर दो, बहुत गर्मी हो रही है और अब मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ियाँ गर्मा गर्म। आ जाओ खा लो, सब्जी बन चुकी है। सब्जी में मैंने बनाई है, बताया ही था, मिक्स वेज और रायता, बूंदी का रायता बनाया है। और तो आ जाओ, जिसे खानी है वो खा लो और जिसे नहीं खानी है वो मेरी हेल्प कर दे आकर। तो सबसे पहले मैं आधी बना ले रही हूँ पापा के लिए, पापा कहीं जाना है पापा को, तो पापा को पहले लगा देती हूँ। और शिवांश के पापा भी नहाने पहुँच गए हैं बाथरूम में, तो वो भी आ रहे होंगे नहा कर, फिर उन्हें भी लगा देती हूँ और शिवांश भी उनके साथ में खा लेगा। और यहाँ पर मैं पापा के लिए लगा रही हूँ खाना, क्योंकि पापा सुबह में ही पूरा खाना खाते हैं, चावल भी रोटी भी, मतलब वो दोपहर में खाना नहीं खाते हैं। तो ये मैंने खाना लग चुका है शिवान, ये रहा पापा के लिए, आपके लिए मैं प्लेट में पूड़ी लेकर आती हूँ। ओके, तो शिवांश के लिए पूड़ी प्लेट में आएगी। ल
हेलो शिवांश, ये देखिए शिवांश और शिवांश के पापा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? नहीं, पूरी नहीं खानी है। क्यों? पापा भी खा रहे हैं, देखो। ना मत खाओ। ओके, शिवांश को नहला कर ले आई हूँ मैं, तो शिवांश को कर देते हैं तैयार, फिर शिवांश के साथ खेलेंगे थोड़ी देर। और ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, मैंने अपना ब्रेकफास्ट आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, तो वो मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं शिवांश को नहलाने ले गई थी, तो शिवांश को नहला कर भी मैं ले आई हूँ। और अब शिवांश को नहीं खिलाया है, शिवांश ने उस टाइम भी पूरी नहीं खाई थी, तो शिवांश को अब खिलाऊंगी मैं। उसके बाद मेरा थोड़ा सा काम और बचा है, कपड़े वगैरह धुलना, फिर मैं वो काम करूंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट थोड़ी देर बाद। आई हूँ छत पर कपड़े डालने। मौसम देखिए आप लोग, बारिश का मौसम है, हल्की हल्की शायद बूंदे भी गिर रही हैं, हल्की हल्की सी। और मौसम वैसे इतना धुंधला नहीं है जितना आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ गलती हो गई मुझसे, मेरी फिंगर लग गई है शायद कैमरे पर फ़ोन के, तो वहाँ पर थोड़ा धुंधला हो गया है वो, उस टाइम मैंने देखा नहीं। लेकिन अब मैं जब एडिट कर रही हूँ वीडियो को, तब मैंने देखी ये चीज़ नोटिस की है कि धुंधला हो गया है। चलो कोई नहीं, तो वैसे थोड़ा मौसम है भी बारिश की वजह से ऐसा, और थोड़ा कैमरे की वजह से हो गया है धुंधला। तो मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं, मैं कपड़े डालने आई हूँ छत पर, अब धुल गए थे तो मैंने कहा चलो डाली आती हूँ। थोड़ी बहुत बूंदें गिर रही हैं, वो सही हो जाएंगे, अपने आप सूख जाएंगे अगर नीचे रह गए। और मैं भूल गई, शिवांश को सुलाने लगी तो मैं भी सो जाऊँगी, तो इस चक्कर में फिर कपड़े रह जाते। तो मेरा सारा काम हो गया है फिनिश, मतलब खाना दाना नाश्ता खा पी लिया, पेट फुल है और सारा काम हो गया है। कपड़े रह गए थे, कपड़े भी हो गए, कपड़े भी डाल दिए हैं। और मैं छत पर आई थी कपड़े डालने, मौसम तो आप लोगों को दिख ही रहा है, हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं, तो बारिश आ रही है। और मुझे जाना था टेलर के यहाँ, इसीलिए मैंने कपड़े भी चेंज किए थे। कपड़े तो इसलिए नहीं चेंज किए थे, कपड़े तो क्या बताऊँ आप लोगों को, आज मैंने बहुत पंगा कर दिया, सारा काम बिगाड़ दिया आज मैंने अपना ही, और बहुत काम बढ़ा लिया अपना। मैंने अपने ऊपर ना खाना खाने के लिए मैं लगा रही थी खाना प्लेट में, और पूरी प्लेट लगा ली थी, थाली लगा ली थी, उसके बाद पूरी थाली मेरे ऊपर गिर गई, तो सारे कपड़े मेरे खराब हो गए, किचन में सब काम फैल गया। तो मैंने जल्दी जल्दी कपड़े चेंज किए, इसीलिए मैंने कपड़े चेंज करे हुए हैं। फिर किचन का काम समेटा, कपड़े तो वैसे भी चेंज करने को थी मैं, क्योंकि मुझे टेलर के यहाँ जाना था, तो फिर इसलिए मैंने कपड़े चेंज किए थे। तो अब दोनों ही काम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि टेलर के यहाँ भी नहीं जा सकते, क्योंकि पास में ही है टेलर, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन इतने दूर के लिए गाड़ी तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि गली में से जाना है इसलिए पास में, और स्कूटी के लिए तो बारिश हो रही है, तो इसलिए अभी हम नहीं जा रहे हैं टेलर के यहाँ। थोड़ी देर बाद जाएंगे जब बारिश रुक जाएगी तब, या फिर शाम को जाएंगे। अगर अभी गई तो अच्छी बात है, और शाम को गई तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ आप लोगों को पता है? देखिए आज है तीजें, तो सभी को तीजों की हार्दिक शुभकामनाएं, हरियाली तीज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए मैंने हरी हरी चूड़ियां पहन ली हैं, सूट तो थोड़ा थोड़ा हरा ही है, हरा नहीं है, मतलब कुछ मनाया नहीं जाता है खास, तो स्पेशल, तो फिर इसीलिए मैंने कुछ कपड़े वगैरह नहीं पहने हैं ज्यादा, मतलब लेकिन ये है अंदर से लगता है कि तीज है, कुछ त्योहार तो है ही, त्योहार वाली थोड़ी सी फीलिंग आनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने हरियाली तीज पे हरी हरी चूड़ियां और हरी बिंदी लगा ली है। बस इतना ही हरा काम किया है, हरी चूड़ियां पहनी है और हरी बिंदी। और इस चूड़ियां ये बहुत खास है, बताऊं कैसे, क्योंकि ये चूड़ियां हैं मेरी शादी की, मतलब कि शादी में जो भावर के टाइम पे दुल्हन को चूड़ियां दी जाती हैं ससुराल की तरफ से, ग्रीन एंड ब्लैक, तो देखिए ब्लैक भी है एक, तो ये वही वाली चूड़ियां हैं ग्रीन एंड ब्लैक, शादी वाली तो ही ना स्पेशल, कितना संभाल के रखा है मैंने इन चूड़ियों को। तो ऐसे ही कुछ भी ओकेजन होता है या करवा चौथ होती है तो उस पर मैं ऐसे डाल लेती हूँ ये चूड़ियां, तो आज भी डालनी मैंने। चलिए अब चलते हैं नीचे, देखते हैं अगर बारिश रुक जाती है तो टेलर के यहाँ चलेंगे, वरना मैं लगाऊंगी अपने हाथों पे मेहंदी। मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं आप लोगों को दिख रही हूँ ऐसे हष्ट पुष्ट सी और मतलब खुश खुश, बट अंदर से मैं सही नहीं हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है आजकल, तो इसीलिए मैं कहीं नहीं गई। इवन मैंने, आप लोग देख रहे होंगे, थ्रेडिंग तक नहीं बनवाई है, थ्रेडिंग मतलब कुछ भी नहीं करवाया, सिंपल सी हूँ।
तो फिर मेहंदी लगवाने भी नहीं जाऊंगी मैं। वैसे तो पास में ही है दीदी, इनके फ्रेंड हैं, उनकी भाभी का पार्लर है, तो वो दीदी का पार्लर है, तो हम वहीं चले जाते हैं नॉर्मली कुछ भी होता है तो। बट इस बार मैं नहीं जा रही हूँ, बाद में देखूंगी रक्षाबंधन पर, अभी मैं नहीं जा रही हूँ, अभी मैं नीचे चल रही हूँ फिलहाल। मौसम दिखाऊं क्या, मौसम में क्या देखूं, तो देखो आपको मौसम दिखा दे रही हूँ, बूंदे गिर रही हैं, मगर सब तरफ तो कपड़े फैले हुए हैं। चलें अब चलते हैं नीचे। शिवांश इधर देख, उधर नहीं जाना, सफर सुहाना, घूमने का है जमाना, ले लो कुछ है नहीं। लिए और हो गई है अब शाम, टेलर के यहाँ से जब हम आए थे फिर शिवांश के सोने का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने शिवांश को सुला दिया था, फिर मैं भी सो गई उसके साथ में। तो फिर अभी जब शाम हो गई है तो मैंने सोचा चलो आज महावर और मेहंदी लगने को रह गई है, कम से कम ये तो कर ही लूँ, तो अभी मैं महावर लगा रही हूँ, मम्मी ने लगाई थी तो वही मम्मी ने घोली थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी मेहंदी। शिवांश परेशान करता है इधर उधर मुझको, तो चलिए लगाते हैं। महावर लगा ली है, अब मेहंदी की बारी है। देखो मम्मा ने महावर लगाई लगाई, ओह माय गॉड आपके भी लग गए। अभी मम्मा मेहंदी लगाती हैं, पहले मम्मा लगा ले उसके बाद इसमें, बाबू गर्ल्स लगाती हैं, गर्ल्स जब मैं टेलर के यहाँ से आई थी तो मैंने सोचा था मैं शिवांश को सुला दे रही हूँ, और शिवांश को सुलाने के बाद मैं फिर महावर लगा लूंगी, नेल पेंट लगा लूंगी और मेहंदी लगा लूंगी। बट शिवांश का तो मालूम ही है कैसे सोता है, मुझे बिल्कुल सन्नाटा करके शिवांश को सुलाना पड़ता है मुझे। तो शिवांश को सुलाते सुलाते मैं भी शिवांश के साथ सो गई, तो मैं उठ नहीं पाई मेहंदी लगाने के लिए, और फिर जब उठे तब तक लंच, तो फिर लंच का काम किया, शिवांश को खिलाया पिलाया खुद खाया, और उसके बाद अब मुझे टाइम मिला है, बज रहा है 4, तो 4 बज रहा है, तो मैंने सोचा चलो मुझे अब मम्मा को दे दो, तो मैंने सोचा चलो अब महावर लगा लेती हूँ, तो मैंने पहले महावर लगाई क्योंकि शगुन तो करने ही है,
और अब मैं मेहंदी लगा रही हूँ। तो मुझे ना गोल गोल माता रानी वाली मेहंदी बहुत पसंद है, तो फिर मैं वही मेहंदी लगाऊंगी, गोल गोल वाली माता रानी वाली। तो चलिए लगाते हैं मेहंदी। ये देखिए शिवांश ने मेहंदी से अपना नेम लिखा है, शिवांश है ना शिवांश। हाँ, शिवांश की मम्मा पापा का नेम लिखा था एच आर। ये देखिए एच आर हेमंत रानू। तो शिवांश की मम्मा ने लिखा था शिवांश के पापा मम्मा का नेम। तो शिवांश ने पूछा ये क्या लिखा जा रहा है मम्मा, तो मैंने कहा मम्मा पापा का नेम। तो शिवांश ने बोला मैं भी अपना नेम लिखूंगा। तो शिवांश ने अपना नेम लिखवाया है शिवांश। हो गई हमारी मेहंदी ये देखिए। और अभी मैं सोच रही हूँ कि फिंगर टॉप फुल कर लूं, तो देखती हूँ एक ही पे लगाऊंगी सेकंड पे नहीं लगानी। फाइनली मेहंदी लग गई है, ये देखिए ये रही मेहंदी मेरी। नेल्स छोड़ दिए हैं क्योंकि नेल पेंट लगेगा इन पर। तो ये रही और ये हमारा नेम। और भी कुछ दिखाऊँ आप, ये देखिए हार्ट बीट लाइन, हार्ट बीट लाइन कैसी लग रही है। अब रच जाएगी जब बाद में जब क्लीन करूँगी उसके बाद दिखाऊंगी आप लोगों को कैसी लग रही है, तब बताना आप लोग कैसी लग रही है। ओके, तो अभी मैं इसको सुखाती हूँ। अब तो कुछ कर नहीं सकती मैं, अभी मैं वेट करना है सिर्फ, तो आराम से वेट करती हूँ, इसको सुखाती हूँ, तब तक रेस्ट करती हूँ। आप शिवांश क्या क्या बना लिया आपने चाचू के साथ मिल के? कुछ नहीं बनाया, नहीं बनाया। बस ट्रेन बनाई ओनली। ओके तो नहीं ज्यादा वाला अलग होता है, कम वाला अलग होता है। ना शाम हो गई है, आप लोग मौसम देख ही रहे होंगे, शाम का 6:30 बज गया है। तो मौसम देखिए, मौसम तो अच्छा हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग एंड कर दूं, आज ब्लॉग ऐसा ही बना है कम कम सा। तो मैंने सोचा चलो शाम हो गई है, ब्लॉग एंड कर दूं, टाइम बहुत हो गया है, तो मैं ब्लॉग एंड करने आ गई आप लोगों के लिए। और देखिए मैंने मेहंदी क्लीन कर दी है, मतलब अभी पानी से वॉश नहीं करी है लेकिन मैंने छुटा दी है, तो ये कल तक और डार्क हो जाएगी। अभी तो इतनी रचती है मेरे, ज़्यादा नहीं रचती है मेहंदी, तो इतनी रचती है लेकिन कल तक और डार्क हो जाएगी। और जो नाम लिखा था मैंने अपना और शिवांश के पापा का वो ये रहा, और जो हार्ट बीट थी वो ये रही। चलिए एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें, और सभी सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य सलामत रहे। तो इसी के साथ ही मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, थम्स अप देना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।